सो गाइस इट्स लंच टाइम एंड इट्स आवर फेवरेट लंच राजमा चावल चटनी व्हाट इज दिस अनियन भूल गई मैं एंड ये कच्चे केले के चिप्स सम कर्ड एंड अचार जो मैंने अभी नहीं लिया है एंड दिस इज डिलिशियस. सो व्हेन इट कम्स टू संडेज आई थिंक हर फैमिली का कुछ ना कुछ एक ट्रेडिशन होता है. कुछ लोगों का खाने के से रिलेटेड होता है, कुछ लोगों का होता है कि भाई हर संडे हम बाहर जाएंगे, कुछ होता है कि हर संडे हम कुछ गेम खेलेंगे, समथिंग इट हैज़ टू डू विद. तो मुझे याद है हम छोटे से ही हमारा हर संडे का होता था कि हमारा ये घर का लंच फिक्स होता था राजमा चावल. तो चाहे हम अपनी नानी के घर जाएं वहाँ पे राजमा चावल बनते थे, चाहे हम घर पे हों वहाँ पे राजमा चावल बनते हैं. और यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी छोटी सी फैमिली के जो दो मेन हैं कबीर एंड सौरभ, उनको राजमा चावल बिल्कुल नहीं पसंद, बट वो हमारे ट्रेडिशन को मान लेते हैं. सो संडेज को वो भी यही खाते हैं. मैं भी आपको सौरभ का रिएक्शन नहीं दिखा सकती बिकॉज ही इज रियली, मतलब जैसे होता है ना जब एक बच्चे को, छोटे बेबी को आप फीड कर रहे हो और वो फीड नहीं ले रहा है और आपको कैसे फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, वैसे ही अभी सौरभ के साथ हो रहा है कि हम उसे सर्व कर रहे हैं बट वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, बट मेरा कबू खा लेता है. ही इज अ गुड बॉय. कबीर डिड यू लाइक राजमा चावल? ओके आई विल एडिट दिस. कबीर डिड यू लाइक राजमा चावल? Yes or no? I'm so confused. Okay, we are having a love competition. Okay, there are two things in front of Kabir. I will name that which is who. Whichever he picks, he loves the most. Okay. So this is he loves Mama Dada the most. Okay. This is he loves Noor the most. His eyes are closed. Now let's see what he picks. Come on, Kabir. Come on. Mommy, Daddy. He doesn't want to pick Mommy, Daddy. Abracadabra, gili 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 gili. Noor, Noor, Mommy, Daddy. Noor, Mommy, Daddy. Chalo, start. Noor, Daddy, Noor, Noor, good job. Kabo, ay vatan kar do ek baar. Aagi nani, aagi. Nahi, theek se. Let me sing. Let him sing. Vatan, mere abad rahe tu. Vatan, mere abad rahe tu. Main jahan rahu jahan yaad rahe tu. Vatan, mere vatan. Good job. Good job. Noor, where is bhaiya? I did the Kit Kat first. Noor, where is bhaiya? Show me bhaiya, bhaiya. Show me bhaiya. Bhaiya is eating you up. Welcome back to Momcom India Vlogs. So today is a Monday afternoon and मैं और सौरभ जा रहे हैं मॉल बिकॉज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हॉलीडे की प्रिपरेशन. बहुत लेट हैं हम बिकॉज हमारी हॉलीडे जस्ट अराउंड द कॉर्नर है. अनदर 3-4 डेज में हम हॉलीडे के लिए निकल रहे हैं और हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया बिकॉज लास्ट कुछ हफ्ते बहुत ही बिजी थे. ऑर्डर कर देते हैं. ओह या, तो सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स पे ऑर्डर करते हैं. मैक चिकन बर्गर आई विल हैव. Can we place the order here? So guys, हमारा McDonald's का takeaway ready हो रहा है. And the reason हम lunch on the go कर रहे हैं because बच्चे अभी घर में अपनी afternoon nap के लिए they just went down for the nap. तो डेढ़ घंटा तो आराम से वो सोएंगे तो हम वो डेढ़ घंटा भी यूटिलाइज करना चाहते हैं. तो ये परफेक्ट टाइम है कि इसको भी यूटिलाइज किया जाए. हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे एक मिनट भी क्योंकि वो उठ जाएंगे तो फिर दोनों का अपना कुछ कुछ स्टार्ट हो जाता है. तो वी वांट टू बी बैक इन 3-4 आवर्स मैक्स. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? See, 3-4 hours is possible, but how much we're going to achieve in that time is the main question. So we have to really, really think through, plan it, ताकि उसी store में visit करके वो सामान हम फटाफट ले सकें. वो तो हम दोनों की ऐसे आदत है, हमने list बनाई हुई है कि exactly किसके लिए क्या क्या लेना है तो थोड़ा सा easy हो जाता है इधर उधर उधर जाने की जगह. बट लेट्स सी, आपको भी लेके चलते हैं. आज मंडे है तो रश कम होना चाहिए, बट फिंगर्स क्रॉस. Most important thing for a holiday sunglasses.
कितने हैं? टू फ्लारी बहुत ज्यादा फ्लैश। गाइस अभी कमेंट करके बताना, इज़न्ट इट फन टू बी अ लिटिल डिफरेंट ऑन हॉलिडे, मतलब जो नॉर्मल पर्सनालिटी के हिसाब से पहनना चाहिए ना। जैसे ये देखो, ये मुझे अच्छा लगा, मतलब एक्चुअली तुम्हें अच्छा लगा बट मुझे भी अब अच्छा लगा। मैं ये दिखा रही हूँ, सौरभ का ये चॉइस है। And your family. So guys, 70% shopping हमारी हो गई है। Now we are, ये इसके अंदर भी बहुत कुछ है। And now we are heading home. शाम के 5 बज चुके हैं। We are already late. 30% जो बचा है वो कल परसों में आके कर लेंगे। But luckily बहुत सारा सामान मिल गया, at least बच्चों का सामान मिल गया। एंड सौरभ की शॉपिंग हो गई एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज सौरभ ने इस बार काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें ली हैं फाइनली मेरे कहने पे। सो वॉच आउट फॉर द वेकेशन ब्लॉग्स एंड पिक्चर्स। और ये तो मैं बताने ही भूल गई कि एक्चुअली मैं बर्थडे वीक ये मेरा है, मेरा बर्थडे होता है 27 अगस्त को। और ये इतने सामान में से ना लाइक आई थिंक 2 चीज़ें मेरी हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि मानसी को शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। नो, लिटरली आज हम सारे मेन स्टोर और किड स्टोर में गए हैं तो मुझे टाइम मिला ही नहीं, बट ठीक है, द हॉलीडे इज माई गिफ्ट, सो या दैट्स ओके। सो गाइज वी आर होम और अब हम नूर का रिएक्शन लेंगे कि वो मुझे देख के कैसे रिएक्ट करती है। नॉर्मली मैं उसको छोड़ के जाती नहीं हूँ, तो जब जाती हूँ कभी कभी तो बहुत इमोशनल हो जाती है, तो लेट्स सी। रख दो सामान सारे यहाँ पे। व्हाट आर यू ईटिंग? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा कहाँ से मिला तुम्हें? व्हाट डिड यू गेट इन दैट? नूर कुकू मेरा बच्चा। You watch your match. Daddy pa chaja. Daddy pa. Hi papa. Hi. Kon aaya? Ding ding rak rak ding ding rak rak. Mamma ke paas aa raha hai. Mamma ke paas aa raha hai. Jo jana mamma paas, daddy paas bhi aa jao bhai. Aa ja ja. सो गाइस जैसे कि आपने देखा, नूर मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, मतलब खुश क्या हो गई, इमोशनल हो गई। सो 6 to 12 months के बीच का जो पीरियड होता है इसमें बेबीज़ में सेपरेशन एन्जाइटी किक इन करती है, तो जिसके साथ भी वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो जनरली मदर के साथ होता है। तो इस टाइम के दौरान उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने एनवायरनमेंट की, अपने केयर टेकर की, यू नो कौन उनको समझता है, टेक केयर करता है, कि उनके साथ उनकी सेपरेशन एन्जाइटी होती है। मुझे याद है कि कबीर की सौरभ के साथ ज़्यादा होती थी और मेरी नूर के साथ होती है क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही होती है। बस वो मुझे देखती है और फिर उसको पता है कि भाई ये आ गई है और ये अब मेरी जो नीड है उसको फुलफ़िल करेगी। जैसे उस टाइम पर उसकी नीड थी कि उसको नैप लेनी थी, उसको सोना था, तो मुझे देखते हुए इसलिए रो रही थी कि बस मुझे अपने बाल दे दो और सुला दो। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग बट इट इज़ ऑल्सो टफ बिकॉज इस स्टेज पर बच्चे काफ़ी के साथ, मतलब क्लिंगी भी हो जाते हैं, यू नो उनको बस आप ही चाहिए होते हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। बाकी सब लोग जो ध्यान रखने की कोशिश कर रहे होते हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। तो अगर आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट अ फेज, ये टाइम के साथ निकल जाएगा। जस्ट बी हैप्पी कि हाँ, यू नो योर चाइल्ड इज़ जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ऑल द टाइम, दैट इज़ अ गुड फीलिंग ऑल्सो। नाउ वी आर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि बैग्स को अभी खोले भी। तो प्लान ये है कि अभी नहीं करेंगे, कल इन सबको अनबॉक्स करेंगे और फिर अनबॉक्स करके पैक कर देंगे बिकॉज फाइनली 2 ही दिन बचे हैं जाने में और अभी भी एक चक्कर बचा है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टू आर वेकेशन व्लॉग्स। हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि बेबीज़ के साथ आप जैसे ट्रैवल करते हो उससे भी हमें काफ़ी सारा हेल्प मिलता है और हमें हिम्मत आती है ट्रैवल करने की, तो हमें आपके वेकेशन व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है। तो आई होप हम इस बार भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। सो या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स पहले आना शुरू हो जाएंगे एंड वी आर एक्साइटेड।